रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया है कि 27 अक्टूबर को एक धमकी भरा ईमेल मिला, इसमें 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। पुलिस के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी की ईमेल आईडी पर एक अज्ञात शख्स ने धमकी भरा ईमेल भेजा है। न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस मामले में गमदेवी पुलिस स्टेशन मुंबई में केस दर्ज किया गया। सेक्शन 387 और सेक्शन 506(2) के तहत केस दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी भरे ईमेल में लिखा गया है, इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीज, वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। इस ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर मुंबई के गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वही आपको बता दें कि बीते वर्ष अक्टूबर में दक्षिण मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एक शख्स ने फोन किया था। शख्स ने अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉल करने वाले शख्स ने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी का नाम लेकर उनकी जान लेने की धमकियां भी दी थी। साल 2021 के फरवरी महीने में मुकेश अंबानी के घर के पास एक लावारिस SUV मिली थी। इस SUV में करीब 20 जिलेटिन की छड़े और एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। वही अब इस खबर के सामने आने के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और जांच में पूरी तरह से जुटी हुई है।